मैं जा रही हूँ होने रेडी। ये देखो बाल कैसे निकल रहे हैं, इनको थोड़ा लास्ट में सही करेंगे। मैंने अपनी ये झुमकी पहन ली है क्योंकि यहाँ ना मतलब आर्टिफिशियल ऐसे नहीं चलेगा। वैसे मैं सेट लेकर आई हूँ, पहनूंगी, पूछ लूँगी माँ से क्योंकि मेरे पास गोल्ड का सेट तो है नहीं। यही मतलब वो जो गोल्ड के सेट होते हैं वो नहीं है मेरे पास। मंगलसूत्र है तो मंगलसूत्र पहन लूँगी और ये मैंने पहन लिया। ये है मेरा मेकअप बैग, इसको यहाँ रख लेते हैं आराम से और देखते हैं क्या क्या है। लाइट आ गई, यहाँ लाइट बहुत आती जाती है। ओ, ओ, ये मेरा फेवरेट कंसीलर। सब लोग वीडियो में बोल रहे हैं जो आप बड़का बिंदी हमको ऐसे चिपका दिए थे, बड़ा अच्छा लग रहा है। हमको दीजिएगा एक और बड़का बिंदी। पिंक कलर का है, लाल है। आप लोग कब तैयार होंगे? आज मौसी का ठोर रंगेंगे। हमार पोती तो इतना मेकअप, सारा मेकअप ओकरा एकदम चांद है। हाँ, ओका सब के हालो न जानत लई। अच्छा, मोबाइल जे देख के लई नो। जहाँ मेकअप से का सामान देख ली तहाँ ओकरा तो हो गई है, इतना बढ़िया से लगाई। वो देख के मैंने सबके लगाई। आय बटी मम्मी लाल तोरा के लगा दे लो, अच्छा लगे। पापा जी उनके अथी साथे रहे ना तो अच्छा लगे। अच्छा, सब इतना बढ़िया मेकअप के सामान मानी बनता लगता कुछ कह। अच्छा, मोबाइल देख देख के उसको शौक होगा। अच्छा, पेंसिल अच्छा, कितनी 5 साल की है अभी, बहुत शौक है मतलब उसको। मैं सब लगाऊ, सब के हाल जरे जानकारी है मेकअप से। अच्छा, सबके कहते हैं पर तू मम्मी हमारा शादी होता है तो तू हमरा के मेकअप के सामान बहुत दामिल खरीद के दी। महंगा? हाँ, महंगा सामान। अच्छा, महंगा तोरा के हम देव तब तू जाब ससुराल तो तू हमारा ला कतना के साड़ी ले आब आ कैसन साड़ी ले आब तो सबके रंग बदलब होते तोरा ला पिंक कलर तो तोरा के ब्लू कलर तो तोरा के पंदो कलर पंदो कलर आ अथी 1 लाख के तोरा ला ले आब। अच्छा, साड़ी। और ये ब्लॉग पिछले ब्लॉग की कंटिन्यूटी में है, सेकंड पार्ट है उसका। तो अभी से सुबह से लेकर दोपहर तक का क्या रूटीन रहा है वो आप जाके उस व्लॉग में देख सकते हैं। और फिलहाल किचन का सारा काम निपट चुका है, सब लोग नहा धो चुके हैं, माँ अपना काम यहाँ पे कर रही हैं, ठेकुआ बना रही हैं जो घाट पे ले जाने हैं, सूप में रखने हैं उसके लिए, और हम उधर तैयार हो रहे हैं। तो मौसी भी अब तैयार होने जा रही हैं, थोड़ा सा बस रेस्ट कर रही हैं, और मैं भी अब रेडी हो रही हूँ। अब बस दौरा सजाने का, सूप सजाने का टाइम है, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ हस्बैंड ने धोके दे दिया था।
और एलएलबी इसलिए नहीं किया मैंने कि ये प्लेट सही करूंगा। एमबीए और एलएलबी इसलिए नहीं किया आपने? अरे ये तो सबको करना पड़ता है, इसका एमबीए और एलएलबी से कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा सा ऐसे ना उंगलियों को प्रेस बना के मारो। हाँ हाँ ऐसे पहली बार कर रहे हो ये? कोई बात नहीं, धीरे 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 आ जाएगा। ये जो जो प्लीट्स बनी है ना इन पे ऐसे उंगलियों को प्रेस बना के मारो। हाँ ऐसे, मतलब जैसे कि ये क्रीच बन जाए ऐसे। क्रीच कैसे बनेगा इसका यार? बस लो धन्यवाद, जो भी किया आपने जितना भी कर दिया उसके लिए धन्यवाद। मैनेज कर लेंगे हम खुद। अरे सिंदूर कहाँ गया? पाउडर वाला सिंदूर लेके आए थे, पता नहीं कहाँ रख दिए। वही ना, ऐन वक्त पे चीज़ें नहीं मिलती रहती हैं। पहनूँ क्या? ऊपर है, ऊपर मौसी छत पे, छत पे हैं दो तीन। हाँ छत पे देखे थे हम, कपड़ा डालने गए थे तब। कैसा लग रहा है भैया ये? ठीक है, अभी लिपस्टिक लगानी है, बिंदी लगानी है और सिंदूर लगाना है मुझे। पाउडर वाला सिंदूर है क्या? दीजिए ना थोड़ा सा। अभी ना माँ को तैयार करना है, तो अभी जस्ट उनको साड़ी पहना दिया है, अभी उनको आलता लगाना है, नेल पेंट लगाना है, चूड़ी वगैरह पहनानी है। तो अभी देखा ना बाहर तो सब लोगों ने अपना दौरी रख दिया था घाट पर, तो इसीलिए सोचा चलिए पहले जो दौरा है वो पहुँचा देते हैं घाट पर। घाट भी छेकना पड़ता है ना कि इस जगह पर हम पूजा करेंगे, तो आप जितना जल्दी अपना फेवरेट स्पॉट छेक लो, यहाँ छेकना बोलते हैं घाट छेकना, तो वो छेक लो तो अच्छा रहता है, अदरवाइज़ फिर जो बची हुई जगह होती है वो आपको मिलती है। तो बस इसीलिए फटाफट दौरा हम लोग पहुंचा रहे हैं, बाकी हम लोग फिर तैयार होके 10-15 मिनट बाद निकल जाएंगे। और सिद्धार्थ यहाँ पे दौरा लेके जा रहा है, उसके सर पे रख तो दिया लेकिन काफ़ी हैवी था, इसलिए पीछे से हस्बैंड ने थोड़ा सा सपोर्ट किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है उसको। यहाँ पर सबसे पहले माँ को आलता लगाया और नेल पेंट लगाया, चूड़ी पहनाया, उसके बाद फिर मैंने और मौसी ने भी पैर में वो जो आलता होता है ना, पैरों को रंगने वाला आलता, वो लगाया था। यहाँ पे नेल पेंट को भी आलता बोल देते हैं, तो मतलब जो पैरों पे रंग लगाते हैं ना, महोर बोलते हैं जिसको, वो हमने लगाया। फिर
और ये हमारी चाची हैं, कुछ जब मन्नत मांगते हैं ना तो इस तरीके से घाट पर जाया जाता है। तो कुछ मन्नत मांगी थी जो पूरी हुई, तो अब छठी मैया के पास इस तरीके से जा रही हैं। माँ भी यहाँ तैयार होके निकल गई हैं, बस मौसी और मैं रह गए हैं। तो मौसी आ जाए बस, फिर मैं भी निकलती हूँ। साथ में इस तरीके से अगरबत्ती लेके भगवान का ध्यान लगा के पानी में खड़े हुआ जाता है। जो लोग पानी में खड़े हो सकते हैं वो पानी में खड़े रहते हैं। माँ जैसे ना, उनकी काफ़ी ओल्ड एज हो गई है तो वो अब पानी में नहीं खड़ी होती हैं, सिर्फ अर्घ देने के टाइम वो पानी में जाती हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग बहुत बहुत देर पानी में खड़े होके और भगवान की राह देखते रहते हैं, सूर्य अस्त के टाइम और सुबह भी, सूर्य जब उगने वाले होते हैं उगते सूरज को भी इसी तरीके से पानी में खड़े होकर उनका इंतज़ार किया जाता है।
संझिया अर्घ होने के बाद सभी लोग अपने अपने घरों में दौरा लेके वापस जा रहे हैं। ये दौरा सब मंदिर में भगवान के पास रख दिए जाएंगे और फिर सुबह अर्घ के टाइम पे ना सब लोग यही दौरा लेकर फिर से आएंगे। घाट पे अर्घ होगा और फिर ये छठ का जो ये वाले साल के लिए छठ संपन्न हो जाएगी और फिर वेट शुरू हो जाएगा नेक्स्ट ईयर की छठ का। आज के दिन के बाद ना फिर कोई काम की हड़बड़ाहट नहीं रहती है क्योंकि आपका दौरा सजा होता है, सब कुछ बना होता है। इससे पहले जो 3 दिन जाते हैं ना वो बहुत हड़बड़ी वाले, बिजी वाले, बहुत संभल संभल के काम करने वाले होते हैं। लेकिन जब ये संझिया अर्घ हो जाता है ना तो फिर कोई और काम नहीं होता है, बस ये रहता है कि जो भी व्रत कर रहा है उसका अच्छे से ये समय कट जाए सुबह तक का, बस ये रहता है। बाकी तो सब कुछ तैयार होता है, सुबह सुबह बस उठकर नहा धोकर दौरा लेकर घाट पे बस जाया जाता है। और सुबह जो काम होता है वो मेन होता है घर के लोगों का, जो भी हेल्प करवाने के लिए आए हैं उनका काम होता है कि बढ़िया से खाना पीना सब कुछ बना के पहले रख दो और बस घाट से आने के बाद अच्छी तरीके से व्रतधारी जो हैं उनको खाना सर्व किया जाए। पकौड़े बनते हैं, बहुत कुछ बनता है, वो तो मैं कल दिखाऊँगी। घर के अंदर हो रहे हैं गीत और बाहर भी खूब तेज आवाज में छठ के गाने चल रहे थे और बच्चे अपने तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और छठ मना रहे हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। तो शाम का अर्घ हो गया है, बहुत देर हो गई, अब तो चाय वगैरह भी पी ली, माँ लोग ने गीत वगैरह भी गा लिया वहाँ पे, तो 5 गीत गाए जाते हैं ना वापस आके, तो वो भी हो गया। अब खाना बनाना है, सब्ज़ी कुछ भी नहीं है, कल से ही बोल रही हूँ सब्ज़ी कुछ नहीं है, कुछ नहीं, इसलिए मैंने आज पनीर बनाया था कि सब्ज़ी नहीं है तो पनीर से काम चल जाएगा। तो अभी इन लोग को जाना पड़ेगा सब्ज़ी लाने के लिए क्योंकि सुबह सुबह ना एकदम अर्ली मॉर्निंग उठ के, अर्ली मॉर्निंग नहीं, नाइट में ही उठ के 2-2.5 बजे से उठ जाना होता है और फिर खाना बनाना होता है। उड़द की दाल, माने बोली है, उड़द की दाल, चावल, रोटी और सभी वेजिटेबल्स के पकौड़े बनते हैं, तो वो सब बनाने हैं और ये सब बना बना के फिर नहा के फिर जाते हैं घाट पर। मतलब पकौड़े तो बाद में बनेंगे, तैयारी उसकी पहले ही कर देनी होगी, तो वो सारा कुछ करना है। तो उन लोग को जाना ही पड़ेगा सब्ज़ी लाने के लिए और बिल्कुल साड़ी मेरा ना उतारने का मन नहीं कर रहा है, बड़ी जल्दी जल्दी हो जाता है सब कुछ। तैयारी करते रहो करते रहो करते रहो, उसके बाद तैयार हो घाट पे जाओ और फिर फटाफट सूरज भगवान को अर्घ वर्घ दे के फिर जल्दी से आ जाते हैं और फिर साड़ी उतारो फिर वैसे ऐसे ही मैं बनाऊँगी खाना। माँ और मौसी बैठ के बातें कर रहे हैं मंदिर वाले रूम में।
घाट पर जाते वक्त जब मैं तैयार हुई थी ना, तो ये सारी चीज़ें ऐसी फैली की फैली रह गई थी। फटाफट तैयार होके हम लोग निकल गए थे, तो बस ये सारे मैं रख रही हूँ, सामान सब कुछ सॉर्ट करके। इससे क्या हजार लड़ी जलेंगी? लड़ी है क्या? पटाखे हैं ये? हाँ, हजार पटाखे जलेंगे। और बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल फाइनल छठ के डे के दिन, यानी परना के दिन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।